अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं बागीरथ जी, एक बार इस काम को आप विराम लगा दें। और मैं देखिए, आप लोगों की तालियां, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का दुलार, लेकिन इस मंच पर जो आज का आयोजन है, धन्यवाद सभा, किसान और प्रतिनिधियों के सम्मान का कार्यक्रम, भागीरथ जी जैसा नाम है क्योंकि एक वो भागीरथ जी थे जो गंगा को स्वर्ग से जमीन पर लेकर के आए थे। आप लोगों की खुशियों की सौगात लेकर के भागीरथ जी तेतरवाल बज्जू में बता रहे हैं। आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। भागीरथ जी को सुनने के लिए बेताबी है ये। मैं भागीरथ जी को आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर। भागीरथ जी प्लीज आप आए और आज आए हुए जन सैलाब के प्रति और मंच के प्रति अपना धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मेहमान बार आया थरताली कंजूसी बद के मेहमानों को स्वागत करा। आ ताली दिल्ली तक गूंजनी चाहिए, राजस्थान जयपुर तक गूंजनी चाहिए। आज किसान व जनप्रतिनिधि समान समारोह में मंच पर पदारूढ़ा राष्ट्रीय संरक्षक कुलदीप जी बिश्नोई साहब और आमने बीकानेर रा लाडला रामेश्वर जी डूडी पूर्व सांसद और पूर्व प्रतिपक्ष नेता, तालिया में हागिड़ो जोर रखो तालिया में। और मंच पर विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष बिश्नोई महासभा के देवेंद्र जी बुढ़िया साहब और सर्वप्रथम नाम लेना चाहिए जामा महत जी भगवान दास जी। मंच पर विराजमान प्रमुख साहब वोडाराम जी और मैं हगड़ा को नाम तो ले सकूं को नहीं, मैं माफी चाहूं। मंच पर विराजमान जितने भी मेरे प्रधान प्रतिनिधि, प्रधान सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, समाज के वरिष्ठ और सभाओं, मेरा निवेदन है कि सबके नाम लेने में टाइम ज्यादा हो गया, भोजन को भी टाइम हो गया, इनका माफी चाहूं। सामने बैठा हुआ रंग बिरंगे पगड़ी में मेरा किसान केसरी, किसान अन्नदाता और युवा साथी और मातृ शक्ति, आज बड़ोई शुभ अवसर है। आप लोग एक छोटे से बुलावे हुए इतने लोग पधारे, आप बहुत बहुत धन्यवाद है। पंचायत समिति प्रधान की प्रतिनिधि के हैसियत में आप हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं। आप लोग रैली बहुत भी बड़ी करी इंच क्या, हजारों की संख्या, कुलदीप जी डूडी साहब बैठा होते, डूडी साहब थारे सेने तक हुई थी, आज भी हुई रिकॉर्ड तोड़े जगह थे पर्चे दियो है। इनको मैं हमेशा ऋणी रहूं, थारो 5 साल तक थारो एक एक कर चुकाने की कोशिश करूं जगह थे, आज भी मान सम्मान बुला रहा दियो है। डूडी साहब किसानों की बड़ी समस्या है, लोग किसान अन्नदाता है, किसान अन्न पैदा करे तो अपन जीवन जीवन चलाने को जो को सिस्टम है वो अन्न है। तो आज की चाहे बिजली की हालत देख लो, चाहे पानी की हालत देख लो, चाहे खातरदारी की हालत देख लो, सब किसानों की आज समस्या है कि डूडी साहब ये मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाने की आपकी दायित्व है, आपको और कुलदीप जी को, के लोगों की समस्या बहुत भारी है। वही मेरा निवेदन है कि किसान जब तक जिंदा रहेगा तब तक ही राजनीति को और देश सुरक्षित रहेगा। आज बहुत ही एक मिसाइल कायम की हुआ है क्या, मैं तो धन्यवाद धन्यवाद दूं डूडी जी ने, धन्यवाद दूं कुलदीप जी ने और धन्यवाद दूं पूरी तमाम जगह मंचा से बैठा आने वाले आपको टाइम निकाल पधारा, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरा निवेदन है कि आप एक साल जो मैं आपके बीच में सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन छोटी मोटी बात आए बाबा दा को थारो मेरे साथ जरूरी है, सदी बाधाओं पार वाले लीलाई बाधाओं पार हूँ, बड़ो तकलीफ है, सीधी बात आए क्योंकि पंचायत समिति नहीं बनी है और पंचायत समिति में बहुत कुछ काम बाकी है। लोग क्योंकि हिंदुस्तान को बॉर्डर है, जिले को बॉर्डर है,
राजस्थान को बॉर्डर है और पंचायत समिति को बॉर्डर आई खातर मैं आप हाथ निवेदन करूं, सब जनता बैठा हो कि समस्या थोड़ी विकट परिस्थिति खराब है, इन आप लोगों का सहयोग रही तो मैं काम में कटाई कमी छोड़ूंगा नहीं, थारी काम पर खड़ा उतरूं। मैं पुनः दोबारा पूरी टीम ने पूरे पदारूढ़ मेरे अंदाता ने बहुत बहुत धन्यवाद दू और पूरी मंचा से बहुत बहुत धन्यवाद दू कि एक छोटे से बुलाओ मेरे एक छोटे से सिपाही के रूप में एक बुलाओ भेजो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय कांग्रेस। राजाराम जी धारिणे साहब मेरी आवाज सुने तो मंच पे विराजे। मईराम जी धारिणिया और प्रदीप गोदारा बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरे निवेदन और है, आरामू भोजन बनूड़ो है, पूरा ही भोजन प्रसादी लेर ही निकलो है, चवा दो घंटों व्यवस्था कम मुझे, लेकिन एक भी बिना प्रसादी नहीं जाए, मेरी हाथ जोड़ भीनती है मेरी और मेरी पप्पू देव की तरफ इन्हें स्वीकार कर लियो, पे एकदम आराम भोजन चाय पानी कर निकलो है और मेरा विशेष लगाव है और यहाँ कोई राजनीतिक मच को नहीं जागने ही खातर प्रसादी हूँ थानको प्रसादी लेर जाऊ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजनीतिक मंच नहीं है, भागीरथ सिंह जी फौजी माइक पर आ जाएं। भागीरथ सिंह जी फौजी अपनी दमदार आवाज के साथ, बस भागीरथ सिंह जी फौजी।